इंदौर के एमजी रोड थाने में फर्जी दस्तावेज तैयार कर पदोन्नति लेने के मामले में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को जिला न्यायालय में पेश कर पुलिस के द्वारा पूछताछ के साथ अन्य जांच के लिए दो दिनों का रिमांड लिया गया। आपको बता दें कि नगरीय विकास प्रशासन विभाग में अपर आयुक्त के पद पर पदस्थ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को फर्जी दस्तावेज बनाकर पदोन्नति लेने के मामले में एमजी रोड थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया था। इसको लेकर दो दिन पहले पुलिस ने देर रात उन्हें गिरफ्तार किया था। रविवार दोपहर को 13 सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार पाटीदार की कोर्ट में पेश किया गया। यहां आईएएस अधिकारी के वकील और शासकीय वकील में काफी तर्क वितर्क रखे गए। पुलिस के द्वारा अन्य दस्तावेज और पूछताछ के लिए दो दिन का रिमांड मांगा गया। इसमें न्यायालय ने पुलिस को दो दिवसीय रिमांड पर आईएएस अधिकारी को सौंपा है ताकि पुलिस अन्य दस्तावेज और बाकी की जांच को पूरा कर सके। इसी के साथ आईएएस अधिकारी होने के चलते मामले की जांच सीएसपी के द्वारा की जा रही है।